एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। आज महाशिवरात्रि देखी है और आज इस खास मौके पर शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। साथ ही अलग अलग मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान महाकाल का आशीर्वाद ले रहे हैं और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर अलग अलग जगहों से भक्त पहुंचे हुए हैं। वाराणसी में भक्त पहुंचे हुए हैं, देवघर, गाजियाबाद, छिंदवाड़ा, ओंकारेश्वर, हरिद्वार, कटनी और मुंबई, भिंड से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम शिवालयों में शिव भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अलग अलग जगहों से भक्त पहुंचे हुए हैं। विशेष चूंकि इस दिन पूजा अर्चना की जाती है, पूरे दिन और मध्य रात्रि को पूजा करने का जो विधान है, बाबा महाकाल का या फिर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का जो विधान है वो कह सकते हैं, चूंकि मध्य रात्रि को पूजा की जाती है और साथ ही शिव और शक्ति का खास संगम इस दौरान देखने को मिलता है। तमाम शिवालयों में भगवान शिव की भक्ति में लीन तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। चलिए, भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद का रुख करते हैं। विनोद, तस्वीरें आप दिखा रही थी जहां पर मंदिरों में इस समय भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रमों का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन अगर भगवान शिव को भोग की बात करें, भगवान शिव को क्या इस समय आज के दिन विशेष भोग अर्पित किया जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए भगवान शिव के भोग की अगर बात करते हैं तो उनका सबसे प्रिय जो भोजन है वो तो जो अर्पण उनको किया जाता है वो धतूरा है, बिलपत्र है, पुष्प है, नाना प्रकार के पुष्प है, बेर है, ये सारी चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती है और सबसे प्रिय तो उनको दुग्धाभिषेक जलाभिषेक है। लेकिन आज महाशिवरात्रि है तो भगवान को अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है। आप सुना इधर आते अभी आ जाए, कहाँ से आए दर्शन करते हैं? हम आनंद नगर से। अच्छा, आज भगवान का महाशिवरात्रि का जो पर्व है, थोड़ा और आगे आ जाओ, क्या कुछ भोग आज भगवान को अर्पण करते हैं घर में? सब लोगों ने व्रत तो किया होगा, क्या कुछ पूजा पाठ, क्या कुछ दिन भर रहने वाला है आपके घर? दिन भर महाकाल की सवारी निकलेगी, क्या बोलते बारात निकलेगी, आज पूरे दिन उत्सव का दिन है, सुबह से सब लोग सब श्रद्धालु आए हैं तो बहुत उत्सव का दिन है। बहुत उत्सव का दिन, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए, मैं देख रहा हूँ। दर्शन कर लिए आपके क्या? कितनी देर लगी दर्शन करने? तो आज दिन भर भगवान की कैसे पूजा पाठ करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, क्या सोचा है? हमने सोचा है सुखी रहे। देखिए कुछ ऐसे श्रद्धालु भी आए, छोटे छोटे बच्चों का आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए। इतने छोटे बच्चे को आप लेके आए हैं मंदिर, दर्शन हो गए? अभी नहीं हुए, वो लाइन में लगे हैं घर वाले। लाइन में लगी है? कितनी देर से लाइन में लगी? 2 घंटे हो गए। अच्छा, भगवान से क्या मनोकामना करेंगे आज सामने भोलेनाथ? बस यही करेंगे, परिवार खुशहाली रहे, कोई तरह की दिक्कत ना आए, और कुछ नहीं। कितने साल से अचलेश्वर पे दर्शन करने आ रहे हैं आप? मैं तो पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए? क्या सुना था भोलेनाथ के बारे में आपने यहाँ? बस यही दर्शन हो जाए और क्या। बहुत अच्छी बात है, आप भी दर्शन कीजिए, बाकी और लोगों को भी दर्शन कराइए जितने आपके साथ आए। देखिए श्रद्धालुओं की जो भावना है वो यही है कि एक बार भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, क्योंकि आज के दिन तो भगवान के दर्शन ही दुर्लभ होती है। ऐसे में सही का दिन भर के कार्यक्रम है वो यही भक्तों की जो भीड़ है वो इस समय मंदिरों में देखने को मिलती है और सुबह से ही ये जो भीड़ है मंदिरों में वो देखी जा रही है, जो कि शाम तक जारी रहेगी। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए गौरव, क्या तस्वीरें मंदिर के अंदर से सामने आ रही हैं? देखिए बिल्कुल, महाकाल मंदिर के इस वक्त अंदर हम मौजूद हैं क्योंकि उज्जैन महाकाल की नगरी और भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। मैं तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, अपने दर्शकों को सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे महाकाल मंदिर के अंदर की। देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीद होती है, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर उन्हें महाकाल के दर्शन हो, लेकिन बहुत से भक्त आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं और यही वजह है कि लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर दूर दूर से आने की कोशिश करते हैं और लगातार
भक्त पहुंच रहे हैं महाकाल के मंदिर, क्योंकि रात को 2:30 बजे यहां के पट खोल दिए गए हैं और अब अगले 44 घंटे तक लगातार यहां पे भक्त महाकाल के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ तो हर रोज यहां पे आती है, महाकाल के नगरी उज्जैन आती है महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब जब आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो ये संख्या बढ़कर कई गुना ज्यादा हो जाती है, और यही वजह भी है कि तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। कुछ देर में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे और महाकाल के दर्शन कर यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आपको यहाँ के जो भक्त हैं उनकी भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है। देख सकते हैं नीचे लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में जो भीड़ है भक्तों की वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आज महाकाल का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है और ऐसे में पूरे देश भर में जहाँ इस पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। जो संख्या है भक्तों की उसको लेकर साफ तौर पर प्रशासन ने भी कहा है कि यह संख्या आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर करोड़ों तक पहुंचती है, क्योंकि 3 दिन तक 4 दिन तक यहां पे अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। आज तो यहाँ पे भस्म आरती सुबह हुई है, उसके बाद लगातार यहाँ पे जल अभिषेक किया जा रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पे श्रृंगार भी किया जाएगा और 8 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे ये बताया जा रहा है। फिलहाल अभी जो व्यवस्था है उसको लेकर करीब 2,500 पुलिस कर्मियों समेत प्रशासनिक अमला यहाँ पे डटा हुआ है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। हालांकि कई सारी अव्यवस्थाएं यहाँ पे जरूर श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी है, लेकिन फिर भी जो भीड़ है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। ये सीधी तस्वीरें जो है महाकाल की नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर से हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और कहा जा सकता है कि कई जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं, उन्हें ये उम्मीद होती है कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे अपनी जो मनोकामनाएं वो जब लेकर भगवान महाकाल के सामने पहुंचेंगे तो उनकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है ये एक बेहद खास मायने में देखा जाए तो बहुत खास होता है, और लोग आज के दिन यही मनोकामना लेके आते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हों, आने वाले भविष्य में वो एक अच्छी जिंदगी जी सकें, सभी का कल्याण हो, इसी इच्छा से इसी मनोकामना से लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और यही वजह भी है कि अब जो भीड़ है उसको ध्यान में रखते तमाम ये व्यवस्थाएं भी की गई है, क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसकी अपनी अपनी अलग अलग बाध्यताएं हैं, मनोकामनाओं की बात करें, इच्छा पूर्ति की बात करें या हम भक्ति की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पे जो भीड़ इस वक्त उमड़ रही है लोगों की जबान पे महाकाल जय महाकाल के नारे हैं, भक्त यहाँ पे भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर रात को ही यहाँ पे पट खोल दिए गए थे और कल रात को ही लोग लाइनों में लगना शुरू हो गए थे, रात के 2:30 बजे के पट खोलने के इंतजार में लगातार भक्तों का तांता कल रात से ही हमें महाकाल के मंदिर में देखने को मिल रहा था। हालांकि रात को 10 बजे दरवाजे यहाँ पे बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके पहले जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे उनकी लगातार लाइनें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लगातार अब जो है भक्तों की लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, और देखिए न्यूज स्टेट के माध्यम से जो इस समय भक्त घर पर मौजूद हैं वो दर्शन कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। देखिए कैसे जल अर्पित किया जा रहा है, दूध दही से उनका जो ये अर्पित किए जा रहे हैं उनको नहलाया जा रहा है, और अभी देखिए जो पुजारी उन्होंने नंदी को चंदन अर्पित किया और इसके बाद उनको सिंदूर भी लगाया। नीलम का रुख कर लेते हैं, नीलम के पास से कुछ तस्वीरें हैं। नीलम आप क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगी, क्योंकि अब देखिए अमूमन हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में 8 बजे आएंगे और धीरे धीरे ये जो भीड़ है भक्तों की वो भी बढ़ती चली जाएगी। मान्यताओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो क्या मान्यताएं इस मंदिर में जो मौजूद है, आप उस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और क्या तस्वीरें? जी अंजलि, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीनतम शिव मंदिर में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं। इस मंदिर की खासियत की हम बात करें तो ये भोपाल शहर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। पुरानी कहानियों के मुताबिक आप ये जो पेड़ देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है पहले एक बगीचा हुआ करता था जहाँ पर एक ऋषि मुनि जो है आराम करने आया, और उन्हें उस दौरान जो है
वहाँ पर एक शिवलिंग के दर्शन होते हैं और उसके बाद से ही जो है यहाँ पर लगातार जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। करीब 200 साल पुराना मंदिर ये माना जाता है, बड़ वाले महादेव के नाम से न सिर्फ भोपाल बल्कि आसपास के दूसरे गांव और जिलों में भी काफी ज्यादा मशहूर जो है ये मंदिर है, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ बटकेश्वर बाबा के रूप में जो है विराजमान है। और शिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर विशेष पूजन अर्चना होती है, न सिर्फ भक्तगण यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने आते हैं बल्कि यहीं से जो है शिव बारात निकाली जाती है। शहर की जो सबसे प्राचीन शिव बारात है इसी मंदिर से निकलती है और भवानी माता मंदिर में पहुंचती है, जहां पर शिव पार्वती विवाह की जो तमाम रस्में होती हैं वो पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक जल लोटा जो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बेहद जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। छोटी सी पूजा पाठ अगर सच्चे दिल से की जाए तो भगवान भोलेनाथ जो है अपने भक्तों पर अपनी जो कृपा है वो बना करके रखते हैं और इसी मान्यता के मुताबिक जो है भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में जो है यहाँ पर आरती भी शुरू हो जाएगी। खास बात हम यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि अयोध्या में जिस डबरू टीम ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो है प्रस्तुति दी थी वो इसी मंदिर की डमरू टीम है और आज भी जो है वही डमरू टीम बेहद खास प्रस्तुति भी देगी जब शिव बारात निकाली जाएगी और बड़ी संख्या में जो है युवतियां इकट्ठा होकर के शंखनाद करेंगे, क्योंकि भोपाल शहर के लिए बेहद खास दिन होता है जब बाबा बटकेश्वर शिव जो है नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए बारात भवानी माता मंदिर पहुंचती है। ये सभी भक्त जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन्हें वो सभी भक्त शिव बारात में पहुंचते हैं शिव विवाह के साक्षी बनने के लिए, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद उन भक्तों पर बना रहे और खासी व्यवस्था यहां पर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की जाती है। विशेष महत्व रखता है कि भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा आज के दिन की जाती है और आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। रोशन बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? देख पा रही हूँ आपके पीछे काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, मंदिर भी सजा हुआ है। महाशिवरात्रि का दिन है और ये सबसे बड़ा दिन होता है शिव भक्तों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से जो है भक्तों की मनोकामना जो वो पूर्ण होती है। सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अष्टमुखी शिव मंदिर है महानगंज में जो स्थित है और सुबह से ही 6 बजे से ही यहाँ जो भक्तों की भीड़ है वो लगनी शुरू हो गई है। मूर्ति का दर्शन कीजिए, जो मूल मूर्ति है उनकी दर्शन कीजिए और देखिए कि जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं। बेलपत्र और दूध से जो अभिषेक जो है वो सुबह से किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में जो है भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और आपको इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भक्त है इस दिन का किस तरीके से इंतजार करते हैं। फूल चढ़ाए जा रहे हैं, नारियल चढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और नारियल के साथ ही अगर भगवान को पंचामृत के साथ उनका अभिषेक किया जाए तो भगवान खुश भी हो जाते हैं। लौटूंगी आपके पास, चूंकि उज्जैन से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। जी गौरव, देखिए बिल्कुल इस वक्त हम महाकाल की नगरी महाकाल मंदिर में इसमें मौजूद है और तस्वीरें मैं आपको यहाँ के सीन दिखाना चाहूंगा। भीड़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में, आप देख रहे हैं भारी संख्या में जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये सही तस्वीरें वो उज्जैन की है जहाँ पर लोग भक्ति में लीन भी नजर आ रहे हैं और बाबा महाकाल की नगरी में जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे, क्या बातचीत करने की कोशिश करेंगे? महाकाल की नगरी में पहुंचे, क्या मनोकामना है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किस तरीके से त्योहार, क्या मनोकामना? एकदम तेलंगाना हैदराबाद आदिलाबाद लोग आए हैं और ये माथे पे तिलक लगाए महाकाल की नगरी में आए और भगवान महाकाल के दर्शन करते हुए यहाँ पे साफ तौर पर लोग हमें हम लोगों को देख सकते हैं। मैं तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को महाकाल की दिखाना चाहूंगा क्योंकि बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो आज यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं, महाकाल के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए और ये सी तस्वीरें न्यूज स्टेट के माध्यम से हमारे दर्शक हम इन तस्वीरों को देख पाए, ये हमारी पूरी कोशिश है और यही इस वक्त देख सकते हैं जलाभिषेक लगातार हो रहा है और 8 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ जो शिवलिंग है उसका श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद
लगातार जो अगले 44 घंटे हैं यहाँ पे श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि का आज पर्व है तो जाहिर सी बात है लोग अपनी अलग अलग मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हम फिर से लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या मनोकामनाएं लेकर वो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और क्या उनकी इच्छा है और किस तरीके से आज वो इस महापर्व को देखते हैं। कहाँ से? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ के, महादेव का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया तरीके देखते हैं, लगातार आते हैं? राजस्थान में से हूँ मैं, महीने में एक बार आती हूँ। हाँ, कभी मैं अमावस के दिन आई थी यहाँ पे और आज आ गई हूँ। यहाँ पे ऐसे भक्त तो हर महीने भी आते हैं। ये सामने देख रहे हैं महाकाल के दर्शन करने का भावुक है, कहाँ? इंदौर। चित्तौड़। इंदौर। भावुक हुए आज आप महाकाल के दर्शन करने का मौका? बहुत समय बाद आने का मौका मिला मुझे। महाकाल की जब बात होती है तो महाकाल के दर्शन करने में भी लोग भावुक होते हैं, क्योंकि भक्ति है लोगों में और कहते हैं कि भक्ति में भी एक अलग शक्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे लोग पहुंचे हैं तो मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे, कुछ भक्त ऐसे भी देखे जिनकी आंखें नम हो गई महाकाल के दर्शन के बाद, क्योंकि भक्ति है उनके अंदर, ये इच्छा है कि अब वो यहाँ पर पहुंचे हैं, महाकाल के दर्शन आज के दिन उन्हें करने का मौका मिला है। तो जाहिर सी बात है तो इच्छा उनमें है, ये उम्मीद है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, उन्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा महाकाल के आसपास, अच्छा जीवन मिलेगा। और यही वजह है कि अब लाखों की तादाद में आज पहुंचेंगे। आज को लेकर ये कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महाकाल के दर्शन जिसने कर लिए वो उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। और बिल्कुल बिल्कुल, और भगवान शिव की भक्ति में ही इतनी ज्यादा शक्ति है कि कोई भी मनोकामना उनसे मांगी जाए वो जरूर पूरी करते हैं। और शायद यही वजह है कि अलग अलग जगहों से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं कि कब आखिरकार भगवान शिव उनको दर्शन देंगे। विनोद, देखिए महाकाल के दर पर इस समय काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और जैसा कि गौरव बातचीत भी कर रहे थे श्रद्धालुओं से कि हैदराबाद से लेकर राजस्थान से लेकर पता नहीं कहां कहां से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपने भी दिखाई थी कि अलग अलग जगहों से वहां पर भक्त पहुंचे हुए हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर होने हैं, पूजा पाठ वहां पर होना है, और खास तौर पर आज का दिन इस वजह से भी विशेष होता है क्योंकि आज बारात निकाली जाती है भगवान शिव की और उसके बाद माता पार्वती के पास वो पहुंचते हैं और आज शिव विवाह भी होता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाकाल की नगरी में दिन भर के आज बड़े बड़े आयोजन हैं, उसी तरह से इस समस्त भारत भूमि पर भगवान भोलेनाथ के हर नगर हर शहर में कोई ना कोई बड़े आयोजन होते ही हैं, और उन आयोजनों में शामिल होने के लिए लोग कई बार दूर दूर से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे नगरों से आते हैं, गांव से चलकर बड़े बड़े मंदिरों में पहुंचते हैं, देवालयों में पहुंचते हैं। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रही है, ये भीड़ भी न जाने कहां कहां से लोगों की है। एक बार मैं आपको अगर पूरी लाइन दिखाने की कोशिश करूंगा तो जहां तक हमारी नजरें जाती है भोलेनाथ के दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है, लोग बड़ी लंबी लंबी लाइनों में घंटों से खड़े हुए। बात कर लेता हूँ कुछ श्रद्धालुओं से, आप कितनी देर से लाइन में हैं? एक घंटा हो गया दर्शन हो गए भोलेनाथ के, बाकी और लोगों के कितने लोग आए, कहाँ से आए आप, क्या है आज दिन भर का कार्यक्रम आपका भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद? घर में पूजा करेंगे और उनके दर्शन करेंगे और मंदिरों में जाएंगे घूमने। आपने क्या सोचा है भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करेंगे, अभिषेक के लिए क्या क्या लाए? इसमें बेलपत्र है, फूल है और दूध से अभिषेक, दूध है उसमें, इसीलिए अभिषेक करेंगे। देखिए अलग अलग श्रद्धालु हैं, मैं बाकी और लोगों से भी बात कर लेता हूँ। सामने आओ फ्रंट में, ये श्रद्धालुओं की लाइनें हैं और जो लोग यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यही वजह है कि देखिए लोग माथे पर टीका भी लगवा रहे हैं, चंदन भी लगवा रहे हैं, अब तो खुशी हो रही होगी। देखिए तिलक भी लग गया, क्या सर? तिलक लग गया, अब तो खुशी हो रही होगी। अच्छा लगता है ना तिलक लगे। आज भोलेनाथ को कैसे खुश करेंगे, कैसे प्रसन्न करेंगे? भोलेनाथ को दूध है घर का, गाय का, भैंस बनी है घर पे, गाय का दूध लाए, दिखाई दे रहा है इसको, दूध है घर का गाय का। कहाँ से, कौन से गाँव से आते हैं? मैं यही हूँ ग्वालियर से, वैसे मैं था तो भिंड साइड, भिंड से आया हूँ रात में केवल दर्शन करने के लिए।
तो केवल दर्शन करने के लिए यहां पर भक्त जो है वे लोग पहुंचे हुए हैं और ये कतारें मुझे लगता है कि बढ़ती ही जाएंगी, ये कम नहीं होने वाली है। और साथ ही जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे भक्तों की जो आमद है शिवालयों में वो भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो भगवान शिव की भक्ति ही ऐसी है कि हर किसी को खींच लाती है। बहुत शुक्रिया आप सबके तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से कैसे भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में रेड कार्पेट बिछा दी गई है, साथ ही शिव भक्तों की सुविधा के लिए कई खास इंतजाम किए गए हैं। कंकड़ कंकड़ शंकर समान दिखता है काशी में, यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु देर रात से ही लोग चले आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये लंबी एक कतार लगी हुई है जो कई किलोमीटर लंबी कतार है, जो श्रद्धालु आस्था और विश्वास की गंगा में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये लंबी कतार, कई किलोमीटर लंबी कतार है ये। ऐसे में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद किया गया है और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और बैरिकेटिंग भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि कोई भी वाहन जो है वो यहाँ तक ना पहुंचे, कोई भी श्रद्धालुओं को आने जाने या दर्शन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और आप देख सकते हैं बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिस तरीके से मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर एलईडी टीवी लगा दिया है कि जिससे आने वाले श्रद्धालु जो है काशी में वो यहाँ पर बाबा का दर्शन लाइन में लगे हुए भी कर सकते हैं। ऐसे में जला अभिषेक बाबा का करने के लिए देर रात से ही श्रद्धालु जहाँ लाइन में लगे हैं वहाँ से आई हैं। हम यही बनारस से ही आए हैं। कितनी भीड़ है? बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ दर्शन हो पा रहा है। क्या मांगा आपने बाबा से? बाबा से कुछ नहीं, बस ऐसे ही ये था कि बस दर्शन हो पाए। तो आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र से शिरडी से, शिरडी से आए इधर दर्शन के लिए। आज शिव जी का वो महोत्सव है इसलिए दर्शन के लिए आए महाराष्ट्र से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं काशी में